भाजपा को आज अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये बड़ी खबर आ रही है। शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम को फाइनल भी कर दिया है और आज दोपहर बाद घोषित होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम। जिन्हें जिम्मेदारी मिलनी है पार्टी ने उन्हें जानकारी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद संगठन सरकार में बदलाव भी संभव माने जा रहे हैं। तो यूपी भाजपा को आज अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, आज दोपहर के बाद घोषित होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम, ये जानकारी मिल रही है। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, आज नया प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है, क्या जानकारी मिल रही है, किनका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बीते महीने ही जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था और कार्यवाहक के तौर पर वो काम कर रहे थे, तभी से इंतजार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तमाम सारे नाम आ रहे थे, तमाम सारी चीजें आ रही थी और लगातार जो पार्टी आला कमान है वो भी मंथन कर रहा था। आपने देखा मुख्यमंत्री भी गए तो वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, उप मुख्यमंत्री गए, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। इसके अलावा तमाम अन्य लोगों से भी पार्टी आलाकमान ने बातचीत की और पार्टी आलाकमान ने शीर्ष नेतृत्व ने नाम फाइनल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो संगठन से जुड़े बड़े लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं, उनको भी बता दिया है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी पार्टी ने अवगत करा दिया है कि वो किसे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और जिन्हें जिम्मेदारी देनी है उन्हें भी बुलाकर उन्हें सारी चीजें बता दी है। तो ऐसे में आज दोपहर बाद कहा जा रहा है कि नाम घोषित हो जाएगा। जो औपचारिक ऐलान है, जो पत्र जारी होता है पार्टी की तरफ से, जो व्यवस्था है उसके तहत उस नाम को आज घोषित कर दिया जाएगा और जब ये नाम घोषित हो जाएगा तो उसके बाद बहुत जल्द ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का संगठन है उसमें तो बदलाव होगा ही, नए तरीके से उसकी पूरी संरचना होगी और साथ ही साथ सरकार में भी कुछ फेरबदल होंगे, क्योंकि पार्टी की ऐसी तैयारी है कि कहीं ना कहीं सरकार में, देखिए बीजेपी की यही नीति है, एक व्यक्ति एक पद पे रहता है और यही सिद्धांत पार्टी का है। इसीलिए जब स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बन गए तो उन्हें फिर इस्तीफा उन्होंने दिया और अब जिसको नई जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी वो भी सरकार में मंत्री है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जब बदलाव होगा तो वहां भी बदलाव होगा और संगठन में ये मानकर चलिए कि 10 से 15 दिनों के भीतर या हम कहें कि 20 से 25 दिनों के भीतर ही कई सारे फेरबदल संगठन के भीतर देखने को मिलेंगे। जी चलिए, कहीं ना कहीं जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वो आज खत्म हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।